देवरानी जेठानी लाई कालीनंद के लिए रिश्ता। अरे ओए कलमू ही कहाँ मर गई? मेरी चाय का समय हो गया है और ये अभी तक चाय लेकर नहीं आई। क्या हुआ माँ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? क्या करूँ बेटा, ये कलमू ही बिना चिल्लाए कुछ काम करती है क्या? इसे पता है कि मैं करेक्ट 8 बजे चाय पीती हूँ, लेकिन अभी तक ये चाय लेकर नहीं आई। शांति इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पूर्वी हाथों में चाय का कप लिए आ जाती है। माँ, उठने में देरी हो गई थी इसलिए चाय बनाने में समय लग गया। रात भर यारों से बात कर रही होगी। क्या माँ, आपको लगता है कि कोई लड़का इसे भाव देगा? रिश्ते वालों ने इसके मुंह पर इसकी बेइज्जती करके इससे शादी करने के लिए मना कर दिया, वो भी एक नहीं कई बार। इसे कोई लड़का तो दूर, कोई भूत भी बात ना करे वो भी इसे देखकर डर जाएगा। अपने बड़े भाई अभिजीत की बात सुनकर पूर्वी वहां से बिना कुछ कहे किचन में चली जाती है और रोते रोते किचन में काम करने लगती है। शांति अपने दोनों बेटे अभिजीत, पंकज और एक बेटी पूर्वी के साथ रहती थी। पूर्वी रंग रूप में काली होती है, जिसके चलते ना ही तो उसकी माँ उसे पसंद करती है और ना ही उसके दोनों भाई। पूर्वी के लिए आए हुए शादी के रिश्ते भी उसके काले रंग की वजह से इनकार कर जाते थे, जिसके चलते घरवाले उसे हमेशा ताने देते थे। इसके चक्कर में जो बात करनी थी वो हम कर ही नहीं पाए। क्या बात करनी थी तुम दोनों को? वो हमारे ऑफिस में रमिया और तारिका नाम की दो लड़कियां काम करती हैं। रमिया और तारिका दोनों ही अच्छे परिवार से हैं और दिखने में भी काफी सुंदर हैं, इसलिए हम दोनों उनसे शादी करना चाहते हैं। इतना कहकर अभिजीत और पंकज तारिका और रमिया की फोटो अपनी माँ को दिखा देते हैं। वो दोनों ही दिखने में काफी सुंदर और गोरी होती हैं, जिसके चलते शांति बिना कुछ कहे इस शादी के लिए हाँ कर देती है और कुछ महीनों में अभिजीत और पंकज की शादी इन दोनों लड़कियों से हो जाती है। पूर्वी के काले रंग की वजह से शांति पूर्वी को अपने ही भाइयों की शादी में आने नहीं देती और बेचारी पूर्वी उदास होकर घर पर ही अपनी दोनों भाभियों का इंतजार करती है। भाभी आ गई आप? आपको पता है मैंने अपने हाथों से आप दोनों का कमरा सजाया है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। आ गई पनौती, कितनी बार कहा था कि अपने कमरे से बाहर मत निकलियो, लेकिन आ गई ना अपनी मनहूस शक्ल लेकर। माँ आपने मुझे भाभियों की फोटो भी नहीं दिखाई थी और ना ही शादी में ले गई, मुझे भाभियों को देखने का बहुत मन था इसलिए मैं आ गई। तेरे मन के चक्कर में मेरी दोनों गोरी और सुंदर बहुएं तो तुझे देखकर डर गई होंगी ना। अपनी सास के मुंह से अपनी नंद के लिए ऐसी बातें सुन तारिका और रमिया दोनों को बहुत हैरानी होती है। शादी के बाद तारिका और रमिया अक्सर देखा करते थे कि कैसे उनके पति और उनकी सास हमेशा पूर्वी के काले रंग को लेकर उन्हें ताने देते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। ये सब देखकर तारिका और रमिया को बहुत बुरा लगता था। ऐसे ही एक दिन, भाभी ये ले लो आपकी गर्मा गर्म कॉफी। पूर्वी बोलते हुए हाथ में कॉफी का ट्रे लिए अपनी भाभी की तरफ बढ़ रही होती है कि तभी अचानक पूर्वी के पैर में लचक आ जाती है और उससे एक कॉफी का कप जाकर सीधा रमिया की साड़ी पर गिरता है, जिससे रमिया को जलन होने लगती है। रमिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर शांति आ जाती है। क्या हुआ रमिया बहू, तू चिल्लाई क्यों? माँ वो गलती से मेरे से रमिया भाभी के ऊपर गर्मा गर्म कॉफी गिर गई। क्या, तूने रमिया पर कॉफी गिरा दी? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं जानती हूँ ये सब तूने जानबूझकर किया है, क्योंकि तू रमिया और तारिका के गोरे रंग की वजह से उनसे जलती है। तू मेरी दोनों बहुओं को जलाकर उन दोनों की खूबसूरती कम करना चाहती है। एक तो बोझ बनकर हम लोगों की छाती पर बैठ गई है। तेरी इस बदसूरती की वजह से कोई भी तुझसे शादी करने को तैयार नहीं है। अगर तेरी हरकतें ऐसी रही तो तुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दूंगी। अपनी माँ की बातें सुन पूर्वी वहां से रोते हुए चली जाती है। वहीं रमिया और तारिका को अब सारी चीजें समझ आ जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों पूर्वी से मिलने उसके कमरे में जाती हैं। पूर्वी रो क्यों रही हो? देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। सॉरी भाभी, लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। बचपन से लेकर आज तक माँ और भैया ने हमेशा मुझे काले रंग के लिए ताने दिए हैं। मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? आप दोनों चले जाओ यहाँ से, वरना फिर माँ मुझे ताने देना शुरू कर देंगी। नहीं पूर्वी, ऐसा मत कहो। जब भी माँ जी तुम्हें ताने देती हैं, तो हम दोनों को बहुत बुरा लगता है। हम जानते हैं कि तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हारा कहीं पर रिश्ता नहीं हो पा रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हारी दोनों भाभियां तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाएंगी और देखना, माँ जी और तुम्हारे दोनों भाई भी तुम्हें जल्दी अपना लेंगे। चलो अब अपने आंसू साफ करो।
अपनी भाभियों की बात सुनकर पूर्वी को थोड़ी तसल्ली मिलती है, जिसके बाद अब रमिया और तारिका दोनों ही अपनी नंद के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती है। लेकिन पूर्वी के काले रंग की वजह से कहीं पर भी बात नहीं बन पा रही थी। तुम यहाँ छत पर बैठे बैठे कपड़े धो रही हो और हम दोनों तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहे हैं। रमिया और तारिका जैसे ही पूर्वी के पास जाते हैं तो सर्फ के पानी में पैर रखते ही दोनों फिसल जाती हैं, जिसे देखकर पूर्वी हंसने लगती है। पूर्वी को हंसता देख रमिया और तारिका भी हंसने लगते हैं। अब हंसती रहोगी या हमें उठाओगी भी? पूर्वी जैसे ही अपनी दोनों भाभी को हाथ देकर उठाने लगती है तो उसकी दोनों भाभियां उसे ही खींच लेती हैं और पूर्वी भी अपनी दोनों भाभियों के साथ नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर अब वो तीनों ही हंसने लगती हैं। भाभी नंद के बीच में हंसी मजाक शांति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो हमेशा अपनी बहुओं को अपनी बेटी के खिलाफ भड़काती है। लेकिन इससे रमिया और तारिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही एक दिन रमिया और तारिका मंदिर जा रहे होते हैं कि तभी उनकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है और वो दोनों नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर गाड़ी चला रहा लड़का फौरन गाड़ी से उतरता है और उनके पास जाता है। उस लड़के का नाम जय होता है। ओह माय गॉड, इनके सिर से तो काफी खून निकल रहा है, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। जय रमिया और तारिका को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उन दोनों का ट्रीटमेंट कर देते हैं। कुछ घंटे में तारिका और रमिया को होश आ जाता है। आई एम सॉरी, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना था, इसलिए मैं गाड़ी बहुत स्पीड में चला रहा था। एकदम से आप लोग सामने आ गए तो मैं ब्रेक न लगा सका, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि आप दोनों जल्दी रिकवर हो जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आज आप दोनों हॉस्पिटल में हैं। आप माफी मत मांगिए, आप तो भले इंसान हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो हमें वहीं छोड़कर निकल जाता, लेकिन आपने अपनी मीटिंग छोड़कर हमें अस्पताल में लाना जरूरी समझा। जय का स्वभाव देखकर रमिया और तारिका दोनों ही जय से इम्प्रेस होती हैं और पूर्वी जय की शादी के बारे में मन ही मन सोचने लगती है, इसलिए वो जय को कॉफी पर अपने घर इन्वाइट करती है और उसे अपनी नंद से मिलवाती है। जय को पूर्वी पहली ही नजर में पसंद आ जाती है, जिसे देखकर क्या हुआ जय, पूर्वी अब चली गई है, अभी भी तुम उसकी चेयर को देख रहे हो, लगता है तुम्हें पूर्वी पसंद आ गई है। अरे नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब तुम्हें पूर्वी पसंद नहीं? भाभी ऐसा भी नहीं है, मुझे पूर्वी पसंद है। मैं हमेशा से पूर्वी जैसी लड़की से शादी करना चाहता था, जिसका स्वभाव अच्छा हो और वो मन की भी बहुत अच्छी हो। जय की बात सुनकर रमिया तारिका दोनों ही बहुत खुश होते हैं और वो दोनों इस बारे में अपनी सास और अपने पतियों को बताती हैं और उन लोगों को भी जय से मिलवाती हैं। अरे भाई, तुम्हें ऐसी क्या परेशानी थी जो तुमने इससे शादी के लिए हाँ बोला? इसे तो कोई कुत्ता भी इनकार कर दे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, इंसान की पहचान उसके दिल से होती है। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यवहार करते हुए अपनी ही घर की बेटी के साथ। जय की बातें सुन शांति और उसके दोनों बेटों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पूर्वी से माफी मांगते हैं, जिसके बाद कुछ ही दिनों में पूर्वी और जय की शादी हो जाती है। आज पूर्वी की दोनों भाभियों की वजह से ही पूर्वी की शादी हो पाती है और वो अब सुखी सुखी अपना जीवन जी पाती है। इतने सुंदर हो तुम, तुम्हारी इतनी प्यारी खुशबू तो मेरा मन मोह लेती है। मेरा दिल तो यही चाहता है कि मैं बस तुम लोगों के साथ बैठी रहूं और तुम लोगों की देखभाल करूं। अरे राधिका बिटिया, किससे बात कर रही है? नहीं बाबा, किसी से नहीं। मैं तो भूल ही गया था, जब तू फूलों के बगान में होती है तो फूलों से ही बात करती है। क्या करूं बाबा, आप तो जानते हैं ना मुझे फूल कितने पसंद है। मेरा तो मन ही नहीं करता मैं इन फूलों को छोड़कर कहीं पर जाऊं। लेकिन बेटा, शादी के बाद तो तुझे इन फूलों के बगानों को छोड़कर जाना होगा ना? नहीं बाबा, मैं इन फूलों के बगान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर जाऊंगी तो आप मेरे दहेज में मुझे बहुत सारे फूल दे देना और मैं उन फूलों को अपने ससुराल के आंगन में लगाऊंगी और दिन भर उनसे बातें करूंगी। राधिका की बात सुनकर मोहन हंसने लगता है, जिसके बाद मोहन और राधिका बाजार में फूल बेचने के लिए चले जाते हैं। राधिका का पिता मोहन फूलों के बगान में माली का काम करता था, जिसकी वजह से राधिका को फूलों की सारी जानकारियां थी और उसे बचपन से ही फूल बहुत ज्यादा पसंद थे। समय गुजरता है और राधिका की शादी आलोक नाम के लड़के से हो जाती है। राधिका एक गरीब परिवार से थी, इसलिए उसकी शादी भी एक गरीब परिवार में ही होती है। लेकिन शादी के बाद राधिका अपने ससुराल में अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है। अरे राधिका, मेरा टिफिन तैयार हुआ या नहीं? आपको भी सबर नहीं है, पता है आज मैंने आपके मन पसंद खाना बनाया है, कढ़ी चावल।
आज तो लंच में मजा ही आ जाएगा। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, लेकिन इस समय तुम्हें अपना ख्याल रखने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि 8 महीने बाद हमारे साथ एक छोटा आलोक या छोटी राधिका होने वाली है। अभी बहुत समय है, चलिए अब जाइए वरना लेट हो जाएंगे। हाँ बाबा, जा रहा हूँ। इतना कहकर आलोक अपने काम पर निकल जाता है। आलोक एक कारखाने में मजदूर का काम किया करता था और मजदूरी के काम से मिलने वाले पैसे से ही अपना घर का गुजारा करता था। राधिका गर्भवती होती है, जिससे सबसे ज्यादा खुशी आलोक को ही होती है। गरीबी में भी राधिका का परिवार खुश था, लेकिन कहते हैं ना कि गरीब की जिंदगी में खुशियां सिर्फ कुछ ही लम्हों के लिए होती है। आलोक भाई, आपको दूसरी वाली यूनिट में बुला रहे हैं, वहां पर आज मजदूर कम आए हैं, आपको आज वहीं पर काम करना होगा। ठीक है। आलोक वहां से दूसरी यूनिट में चला जाता है और दूसरी यूनिट में काम करता है कि तभी एक शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पर रखी हुई मशीन में आग लग जाती है और पूरी यूनिट में भगदड़ मच जाती है। भगदड़ की वजह से वो मशीन सीधा आलोक के पैरों पर गिरती है। आलोक को फौरन अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहां डॉक्टर के इलाज करने के बाद आलोक को पता चलता है कि आलोक शायद अब कभी भी चल नहीं पाएगा। जब ये खबर आलोक की पत्नी और माँ को पता चलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तूने क्या कर दिया दुर्गा माँ, बचपन से लेकर मैंने हमेशा तेरी भक्ति की है, तुझे हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है, लेकिन तूने आज अपनी ही बेटी के सुहाग के साथ ऐसा कर दिया। अब मेरी कोख में पलने वाले बच्चे का क्या होगा दुर्गा माँ? माता रानी, कुछ तो चमत्कार दिखाओ, तू अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने देती। राधिका दुर्गा माता की मूर्ति के सामने बैठकर खूब रोती है कि तभी दुर्गा माता की मूर्ति के ऊपर रखा हुआ फूल सीधा जाकर राधिका के हाथों में गिरता है, जिसे देखकर राधिका कहती है, हे दुर्गा माँ, मैं समझ गई तू क्या कहना चाहती है। जिस चीज के साथ मैं बचपन से रही हूँ, आज वही चीज मेरे रोजगार का सहारा बनेगी। इतना कहकर राधिका अपने पास रखे हुए कुछ पैसों से बाजार जाकर कुछ फूल के बीज खरीद लाती है और अपने आंगन में उन्हें उगाती है। राधिका और राधिका की सास फूलों के बीज को खूब पानी और खाद देती हैं, जिसके चलते कुछ ही समय में उन बीजों से फूल निकल आते हैं। बहू, इन बीजों से फूल तो निकल आए हैं, लेकिन ये फूल तो बहुत कम है, इन्हें बेचकर हम क्या ही कमा पाएंगे। माँ जी, मैं जानती हूँ इन फूलों को बेचकर हम बहुत ही कम पैसे कमा पाएंगे, लेकिन शुरुआत तो हमें यहीं से करनी होगी। दुर्गा माता हमारे साथ है, आप हिम्मत मत हारिए। इतना कहकर यशवंती और राधिका थोड़े से फूलों को ही उठाते हैं और दुर्गा माता के मंदिर के बाहर उन फूलों को बेचने लगते हैं, लेकिन पूरा दिन बेचने पर भी उनके सिर्फ थोड़ी बहुत ही कमाई हो पाती है। 10 रुपए का फूल देना। ये लीजिए। ये लो तुम्हारे पैसे। आज भी पूरे दिन में सिर्फ हमारी 70 रुपए की ही कमाई हुई है। इन 70 रुपए में आलोक की दवाई आएगी, घर का राशन आएगा या हम इससे घर का खर्च चलाएंगे। माँ जी, फूलों को उगने में समय लगता है और हमारे पास बहुत ही कम फूल है, इसलिए हमारी कमाई भी बहुत कम हो पाती है। काश हमारे पास बहुत सारे फूल होते, वो भी तरह तरह के, तो हमारी कमाई बहुत अच्छे से होती। दुर्गा माँ, कोई चमत्कार दिखाओ ताकि मैं अपने पति को ठीक कर पाऊँ और वो दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो पाए। ऐसे ही 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं और नवरात्रि के व्रत शुरू हो जाते हैं। नवरात्रि के व्रत शुरू होने के बावजूद भी यशवंती और राधिका की कमाई ज्यादा नहीं हो पाती थी, जिसके चलते दोनों सास बहू बहुत ज्यादा निराश होते हैं। अष्टमी में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं और अभी तक हमारी ठीक से कमाई नहीं हो पाई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग नवरात्रि कैसे मनाएंगे। यशवंती इतना बोल ही रही होती है कि तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, सुनो, क्या मुझे थोड़े से फूल मिल सकते हैं? मुझे दुर्गा माता की पूजा करनी है, लेकिन मेरे पास इन फूलों के लिए पैसे नहीं है। ठीक है अम्मा, ये लीजिए फूल। भगवान तेरा भला करे बेटिया, मेरे पास फूलों के बदले देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन कुछ फूलों के बीज हैं। इन बीजों को जब तुम अपने आंगन में लगाओगी तो इससे बहुत सुंदर सुंदर फूल निकलेंगे। ये फूल तेरी जिंदगी बदल देंगे। वो बूढ़ी औरत राधिका के हाथों में फूलों के कुछ बीज रखकर और कुछ फूलों को लेकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद राधिका और उसकी सास यशवंती अपने घर आते हैं और आकर उन बीजों को अपने घर के आंगन में गाड़ देते हैं। सुबह होने के बाद यशवंती और राधिका जैसे ही अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उनका पूरा का पूरा आंगन फूलों से महक रहा होता है।
राधिका बहू, ये क्या, हमारे पूरे आंगन में तो फूल ही फूल हैं, वो भी कितनी तरह तरह के। पूरा आंगन खुशबू से महक रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी फूलों की दुनिया में चली गई हूँ। हाँ माँ जी, इसमें तो कई ऐसे ऐसे फूल हैं जो यहाँ आसपास कहीं भी नहीं मिलते हैं। राधिका जैसे ही आंगन में से एक फूल तोड़ती है तो उस फूल के टूटते ही वहाँ एक और नया फूल आ जाता है, जिसे देखकर राधिका और यशवंती दोनों ही हैरान हो जाते हैं। ये क्या बहू, इस फूल के टूटते ही यहाँ एक और नया फूल आ गया। इसका मतलब उस बूढ़ी औरत ने जो हमें बीज दिए थे वो कोई साधारण बीज नहीं थे, वो जादुई फूलों के बीज थे, जिसके चलते हमारे पूरे आंगन में ये जादुई फूल आ गए। हाँ माँ जी, लगता है दुर्गा माँ ने हमारी सुन ली। अब हम आलोक जी का इलाज करवा पाएंगे और नवरात्रि भी मना पाएंगे। यशवंती और राधिका दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उन जादुई फूलों को तोड़कर मंदिर के बाहर बेचने लगते हैं। और इतने रंग बिरंगे और अलग अलग तरह के फूल देखकर सारे कस्टमर यशवंती और राधिका के पास ही फूल खरीदने के लिए आते हैं। अरे वाह, इतने सुंदर सुंदर फूल, इतने सुंदर फूल तो मैंने कभी नहीं देखे, और इनकी खुशबू तो बड़ी ही कमाल की है। फूल तो सच में बहुत बढ़िया है, मुझे ये वाले फूल दे दो। यशवंती और राधिका की बहुत अच्छे से कमाई होने लगती है, जिसके चलते दोनों सास बहुएं मिलकर अष्टमी बहुत अच्छे से मनाती हैं। और कुछ ही महीनों में फूलों के बिजनेस की वजह से वो बहुत सारे पैसे भी इकट्ठा कर लेती है और आलोक का इलाज करवा लेती है, जिससे आलोक बिल्कुल ठीक हो जाता है। और उसके कुछ ही महीनों बाद राधिका एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। राधिका और यशवंती हमेशा अपने आंगन में आए हुए पहले फूलों को हर मंदिर में दिया करते थे, और अब पूरा परिवार मिलकर फूलों का बिजनेस करता है और खुशी खुशी रहने लगता है।